सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिद भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड तत्र महासुरेन्द्र चेन्द्रासुरा वन्यपुरागमस्ताम् कात्यायने तुष्टु पुरेष्टलाभात् विकाशिवक्त्रा भजविकाशिताशा देवी प्रपन्नासि हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेकम् महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपास्वरूपा स्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलाङ्ग्यवीर्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि मायं संवाहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतुः विद्या समस्ता सर्वदेविभेदः श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमां भयेतत् का ते स्तुतिस्तभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूता जगा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता सुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्कृते स्वर्गापभर्गदे देवि नारायणि नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रधायिनि विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते सृष्टिसुते विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बरचरिके देवि नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रयितरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरकुक्कटवृते महाशक्ते धरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि
सुत शंख चक्र कदाचार गृहीत परमाजुत प्रसिद्ध महेश्वरी रूपे नारायणी नमस्तुत गृहीतग्र महाचक्र धृष्टा धृतम सुंदर वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुत नृसिंह रूपे अग्रेण हंतं नेत्रकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सरिते नारायणी नमस्तुत करीरणी महावज्र सहस्र नयनाज्वले वृत्र प्राण हरे चंद्रे नारायणी नमस्तुत शिवधूते स्वरूपेण हतचैत्र महाबले गौर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुत द्रष्टा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडा मथने नारायणी नमस्तुत लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमस्तुत मेधे सरस्वती परे भूते पाप्रभितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणी नमस्तुत सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयव्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुत एतत्ते वदनं स्वामं लोचनात्रभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुत ज्वालाकरालमत्यग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतभद्रकाले नमस्तुत हिणस्य धृत्य तेजांसि स्वनेनापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृङ्ग सापङ्कचर्चितस्य कलज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नताभयम् रोगानशेषान् अपहंसितुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् नपिबन्धनानाम् त्वामाश्रितायाश्रयताम् प्रयान्ति एताकृतम् जाकदनाम् त्वयाद्य धर्माद्धिशाम् देवि महासुराणाम् रूपेरनेकैर्बहुधात्वमूर्तिम् कृत्वाम्बिकेतत्प्रकरोति तान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्याम् मम त्वकरतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदतीह विश्वम् रक्षान्ति यत्र विशाशनार यत्र रयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दशाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेश्वभङ्ग्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा देवि प्रसीद परिपालय नित्यं यथा सुलभदा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महाप्रसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणीं त्रैलोक्यवासिनामिद्वैलोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं स्वर्गना वरं जनमनशेषत त्वं मृणत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मदुभैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वत्यन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैव न उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनीं पुनरप्याति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् भर्जयन्ता च तानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति धारिमीकुसुमोपमाः ततो मा देवता स्वर्गे मृत्यलोके च मानवा स्तुभन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मना भृष्टा मनं वसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्प्रविश्यामि ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिम् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मा ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्म देह समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाके आविष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं ददा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानन्द्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाक्षत्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सञ्जय षट्पदम् त्रैलोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मालोका सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्याम्यारि संक्षया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए
धर्मन कोल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समां प्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भेषणां कन्याभिकर्भालकेतविलसहस्ताभिलासेभिकां हस्तेश्चक्रगदासिकेतविशिकाश शापं जनं तर्जने बिभ्रानामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्युभाजन् एभिस्तवेशमानित्यं स्वशरेया समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुके कमलाशं च महिषासुरगातनं कीर्तयिष्यन्ति चेतर्फलपदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति च भजे भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं नातेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्टविरोचनम् शत्रुतो नाभयं तस्य दस्यतो मा न राजतः न शस्त्रा नलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थयमेतत् उपसर्गान्न शेषासो महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रधाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमेतच्चरितमुच्चार्यं श्राद्धमेव च जानता जानता पापे बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिक्ष्यामहं प्रीत्या भग्नि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्ता धनधान्या सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तया शुभा पराक्रमं च शुद्धेषु जायते निर्भया पुमान् ऋपवः सञ्चयं जान्ते कल्याणं चोपबध्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयाम् मम उपसर्गाशमं जान्ते ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनेनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षाभूतविशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपेश्च गन्धदीपे सदोत्तमे विप्राणां भोजनिर्होमे प्रोक्षणीयहर्निशम् अन्येषाभिविधिर्भोगे प्रदानिर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सस्मिन् सकृ सुचरिते श्रुते श्रुतमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनां मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टचैत्यानिवर्हणम् तस्मै श्रुते भैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तस्तु प्रयच्छन्ते शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्यभिर्वावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तभिः
राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो बद्ध्यो बन्धागतो विवा आगुर्णितो वा भातेन सितः पूते महानवे पशु च पितस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यासितोऽपि वा समर्ममे सचरितं नरमुच्चैत सङ्कटात् मम प्रभाव सिंहाद्यादशिवो भैरिणः सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्र मान्तधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागा पूजा सर्वे चक्रविनिहतारयः दिव्या च दिव्या निहते शुङ्गे देवरिपोजुरि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रतुलविक्रमे निशम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमारजो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयेतन्मोयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्येन्द्रयक्षति व्याप्तं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टे भवत्यया तिरिकरोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले निर्णां सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तता ददाति वित्तं पुत्राश अतें धर्मे गतें शुभा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् नागवचं नागला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चणं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनो चाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ज्वलहं संलङ्घं स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च शुम्भासुरगातनि जागृतमहि महादेवे जपं सिद्धं करुष्व मे हेङ्कारे सृष्टिरूपाय हेङ्कारे प्रतिपालिका क्लिङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डाचण्डगाति च एकायि वरदायिनि विद्ये च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि दां ध्रीं धूं दुर्जटे पत्नि वां ह्रीं भूभागधीश्वरि क्रां ह्रीं क्रों कालिका देवी शांशेषु मे शुभं कुरु हुं 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 काररूपिण्यै जं 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 वनाधिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं 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 यं शं भिं दुं ऐं भिं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खाखे खोखे चरे तथा सांसे सौ सप्तशते देव्या मन्त्रसिद्धिं गुरुश्वरे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपिकं रक्ष पार्वती जसु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशते पठे न तस्य जायते सिद्धे
अथ दुर्गाय पद्मराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि प्रायदुर्गे नमस्ते जगज्जन्त्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणित्रायदुर्गे अनाथ सदिनस्य त्रिशलातुरस्य वयासस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्रायदुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजसिंहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्रायदुर्गे अपारे महादुस्तरे चाण्डघोरे विपत्सागरे वर्जतं देहभाजं त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौकां नमस्ते जगत्तारिणि त्रायदुर्गे नमश्चण्डकचण्डदुर्दण्डलीला समुत्कण्डितागण्डलाशेषशक्तो त्वमेका गतिर्विघ्नचण्डोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्रायदुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ननेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा क्रीडापिङ्गला त्वं सुषमला नारी नमस्ते जगत्तारिणि त्रायदुर्गे नमादे विदुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूतिः सदाकालदाते स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रायदुर्गे शरणमशिशुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनजवराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपते गृहगतानां दशविश्वासितानां त्वमसि शरणमेका श्री भगवते स्तोत्र जय भगवती नमो भरत जय पाप विनाशिनी बहु फल जय जय पावक भूषण
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रबंधु माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वन भक्ति भक्ति जो सच्ची होनी सच्चे हृदय से जब भी माँ को याद करोगे, माँ को पुकारोगे, माँ अवश्य में सब ओर से आपकी रक्षा करेगी, आपका कल्याण करेगी। कालो चंडी विनायक को इस कलयुग में कहा है विनायक भगवान श्री गणेश और चंडी माँ दुर्गा जो है, इसकी पूजा जो है यह सद्या फलदायी है। सनातन धर्म में पंचदेव उपासना बतलाई गई है और पंचदेव जो है उनकी पूजा आराधना अर्चना करने से जो है सद्या फल की प्राप्ति होती है। वह पंचदेव जो है कौन कौन है? आदित्य भगवान, सूर्य गणेश, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और शिव जो है, ये पंचदेव उपासना बतलाई गई है। भगवान सूर्य जो है ये बुद्धि के देवता है और चंद्रमा जो है ये मन के देवता है। गृहस्थ को तो अनेक देव देवता की पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, तो सूर्य की उपासना जो है इसकी आराधना करने से एक तो मनुष्य को निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है,
दूसरा जो प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनको जीवन कभी चर्म रोग नहीं होता। और उनकी नेत्र शक्ति जो है, नेत्र ज्योति जो है, वह ठीक प्रकार से वह शक्ति संपन्न रहती है। इसी तरह से भगवान गणेश जो हैं, जो विघ्नों को दूर करने वाले हैं, इनकी आराधना। माँ दुर्गा, दुर्गा दुर्गत नाशनी, जो दुखों का नाश करने वाली है, सुखों को देने वाली है, और सर्वत्र जो है मंगल ही मंगल करने वाली है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वर साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। भगवान विष्णु जो परमेश्वर को प्रधान करते हैं, और भगवान शिव जो है, इनकी आराधना, इनकी उपासना जो है, ये सब ओर से रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। इस प्रकार से पंचदेव की उपासना जो करने वाला साधक जो है, उसके जीवन में कभी कमी रहती नहीं। वह किसी एक देव का भी शरणागत होकर के यदि उपासना करता है तो भी जो है, क्योंकि हम जिस देवी देवता की जो पूजा करते हैं और पूजा का जो विधि विधान बतलाया गया है, जो आपका इष्ट देव है, आपका सूर्य जो है इष्ट देव ही, तो उसकी प्रतिमा जो है सामने रखी बीच में, बाकी अगल बगल उसी मूर्ति में रखे। यदि माँ दुर्गा जो है, माँ वैष्णवी आपके इष्ट देव है, तो उनकी मूर्ति सामने बीच में रखिए, बाकी उसके दाएं बाएं जो है। इसका जो विधान बतलाया गया, ऐसे जो है साधना करनी चाहिए। और जी साधना जो है, मंत्र जब भगवान की उपासना जो है, अद्भुत शक्ति होती है, और जिससे मनुष्य की जीवन में उसके समस्त कार्य सिद्ध होते ही, कभी जीवन को विघ्न बाधा नहीं आती, और संसार में उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका मान सम्मान जो है, उसमें कभी काला धब्बा नहीं लगता, उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है। कहते कि देवऋषि नारद जी, इन्होंने ब्रह्मा का देश है गंगा सागर संगम पर जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, यज्ञ किया एवं वहां पर ब्रह्म वेत्ताओं का जो है उनको बसाया। ब्रह्म वेत्ता जो है वह जब उनका वहां निवास हुआ, उन ब्रह्म भेतों में जो वहां पर जो है प्रतिदिन जो है गंगा तट के किनारे संगम पर जो है वह सभी भगवान की आराधना अर्चना, माँ गंगा की पूजा आराधना अर्चना किया करते थे। और उनमें हारित मुनि जो है वह प्रतिदिन वहां पर भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करते थे, और भगवान सूर्य से प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। प्रतिदिन जो जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी ना कभी देव कृपा होती है, प्रार्थना स्वीकार होती है। तो वह मुनि प्रतिदिन जो है भगवान सूर्य की उपासना किया करते वहां संगम पर जो है, और जो है भगवान सूर्य से वह प्रार्थना किया करते थे कि समस्त मानव समुदाय का आप कल्याण करें। जो सबके कल्याण की सोचता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। हम पूरे विश्व की कल्याण कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस विश्व में इस संसार में सभी सुखी रहें, तो सब में हमारा भी कल्याण होता है। तो इस प्रकार से वह मुनि जो है प्रार्थना करते हैं कि समस्त मानव समुदाय का कल्याण करना प्रभु, जी उनकी प्रार्थना थी। एक दिन जो कहते हैं हरिमुनि ने उदय चल में जो है सूर्य उदय हो रहा था, और साक्षात कहते जब पूजा कर रहे थे उनको साक्षात भगवान सूर्य के दर्शन हुए। भगवान सूर्य ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और सूर्य देव ने जो है मुनि को सूर्यजल से जो है परिपूर्ण पुत्र प्रदान किया, अर्थात संतान का वरदान दिया। भगवान की आराधना से जब जो है उनके आशीर्वाद से घर में से संतान आती है,
वो माता पिता का भी कल्याण करती हैं, माता पिता का नाम रोशन करती हैं, समाज का भी कल्याण करती हैं। और उस मुनि को इस प्रकार से भगवान सूर्य से ऐसा आशीर्वाद मिला, वरदान मिला और उनके घर जो है पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने कमठ रखा। कमठ नाम का जो है वह मुनि पुत्र जो था, कहते हैं कि बाल्यकाल से बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि था, पर मेधा भी, इतनी बुद्धि प्रखर बुद्धि थी, बड़े अल्प काल में ही उसने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अद्भुत बालक था, कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु थी। तो ब्रह्मा वहां पर ब्रह्म भेता जो है आप जानते हैं कि गंगा सागर, बाल संगम में कितने ऋषि मुनि संत महात्मा वहां तप करते साधना करते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हैं, ऐसे संत महात्मा जहां पर, कहते हैं कि देवर्षि नारद भी वहां पर आया करते थे, वहां पर सत्संग होता था, ऋषिमुनि प्रश्न करते थे, वह नन्ना मुन्ना बालक 8 वर्ष की जिसकी आयु है उनके प्रश्न के उत्तर देता था। ऐसा कमठ नाम का वह बालक जो है इतना कुशाग्र बुद्धि हुआ तो उसे देवर्षि नारद जी वहां पर आया करते थे। एक बार देवर्षि नारद ने वहां पर सभा लगी थी, सब ऋषि मुनि संत महात्मा जो है ब्रह्म वेत्ता सभी जो है वहां पर विराजमान थे, वहां पर भगवत चर्चा हो रही थी, उसमें अनेक प्रश्न किए जा रहे थे और वह बालक जो है उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। ये सब देख करके देवर्षि नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुए, और देवर्षि नारद जी सब त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। भगवान सूर्य ने जो है अपने अंश से जो पुत्र जो है पुत्र का वरदान जो दिया था मुनि को, वह पुत्र इतने कुशाग्र बुद्धि है, स्वस्थ शास्त्र का वेता है, तो ये देख करके जो है कहते हैं कि देवर्षि नारद जी तुरंत उसी क्षण जो है सूर्य लोक में जा पहुंचे। सूर्य लोक में जा करके जो है कहते हैं कि वहां पर जो है भगवान सूर्य को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे उन्होंने कहा कि आपकी असीम कृपा से, आपकी असीम कृपा से जो है सूर्यास्त प्राप्त कर एक तत्वदर्शी बालक ने जो है महीसागर जो पृथ्वी पर जो संगम पर जो है वह उसने उसको संगम को पावन परम पवित्र बना दिया है। प्रतिदिन ऐसा सत्संग होता है वहां पर जो है, वह बालक जो है जन्म मृत्यु भेद भेदांग ग्रह नक्षत्र ज्योतिष आदि सभी विद्याओं में जो है वह प्रवीण हो चुका है, निपुण है, और उसे जो है इस प्रकार से आप वहां जाकर के दीक्षा दे करके गंगा सागर संगम को पावन कीजिए, पवित्र कीजिए, उसे दीक्षा दीजिए। कहते कि बिना दीक्षा के जो है जब मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होता। नारद जी कहते हैं कि आप उन्हें दीक्षा दीजिए, इस समय उसके समान कोई आचार्य उस पृथ्वी इस पृथ्वी पर नहीं है, मृत्यु लोक में उसके समान कोई आचार्य नहीं है, इतना ज्ञानवान जो है, इसलिए आप वहां जाकर के जो है उन्हें दीक्षा दे। तब जो है भगवान सूर्य ने कहा, महाराज देवर्षि नारद जी आप उसे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, मेरा आप ऐसा मजाक मत कीजिए, मैं आपके पास आया हूं और आप जाकर तीर्थ को पवित्र बनाइए, उस बालक को दीक्षा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब भगवान सूर्य ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। देव ऋषि जी चले आए। कालांतर समय पुराण जो है कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर से जो है एक संत जो है अद्भुत रूप है, उसके मुखमंडल का इतना तेज है, सामने से आ रहा था और वहां पर सभा लगी हुई थी। उस सभा में जो है वो संत महाराज जी ने प्रवेश किया और फिर जो है वहां पर सभी ब्रह्म भेत्ता जो प्रश्न कर रहे थे, बालक उत्तर दे रहा था, तो वहां पर जाकर के उस संत महाराज ने भी उनसे आज्ञा मांगी, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं भी कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, यदि आपकी आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप जो है प्रश्न जो है कीजिए। तब जो है उन्होंने कहा कि एक जो है प्राकृत भोजन होता है, प्राकृत
प्राकृत भोजन होते हैं, दूसरा होते हैं परम भोजन। परम भोजन जो है आप सब जो है मुझे परम भोजन कराएंगे, ऐसा प्रश्न जो था उन्होंने किया कि आप मुझे परम भोजन जो है प्राप्त करेंगे। अब जो है वहां पर चर्चा हुई, तर्क हुआ और उसके बाद जो है उस बालक ने जो है उनके इस प्रश्न का जो है इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आप मुझे जो है इस प्रकार से आप परम भोजन जो है आप मुझे प्रदान करेंगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर देते उस बालक कमट बालक ने जो है उत्तर देते हुए कहा कि हे ज्ञानी, हे श्रेष्ठ संत महाराज जी, प्रकृति आदि जी 24 तत्वों से, 24 तत्व जो है हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, तो प्रकृति आदि जो 24 तत्वों से जो है बड़े शरीर को जो है जो तृप्त करते हैं वही प्राकृत भोजन है। जो प्राकृत भोजन है जो शरीर को तृप्त करता है, जो प्राकृत भोजन है, और नाना प्रकार के धर्म का श्रवण अन्न है, दोनों कान जो है उस अन्न को जो है ग्रहण करने वाले मुख है, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्या है, जिस शरीर को जिसने धारण किया वह आत्मा, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा जो है उस अन्न का भोगता है, ऐसा आत्मा को जो है तृप्त करने वाला जो है भोजन परम आनंद देता है, और वही परम भोजन जो है यह कहलाता है, जी है परम भोजन। मैं केमर प्राय बतलाता हूँ, हम प्रतिदिन शरीर को चलाने के लिए प्रातः उठते हैं और क्या करते हैं, बैठी पीते हैं, स्नान किया, फिर जो नाश्ता करना शुरू कर लिया, परंतु कभी किसने जो सोचा नहीं कि आत्मा का भोजन क्या है। और कहते हैं कि सब कुछ है, भगवान की कृपा है, परंतु आत्म शांति नहीं है। आत्म शांति कैसे होगी, आपने कभी आत्मा को पूछा ही नहीं कि तुझे भी चाय पीनी है, कोई जलपान करना, नाश्ता करना, कभी नहीं पूछा किसने। आत्मा का भोजन क्या है, जे सत्संग, जे नाम जप, जे भगवान की जो साधना करते हैं, यही आत्मा का भोजन है। इसी से जब तृप्त होती है, वैकुंठ मालिक जो है वो संत महाराज जी को जो प्रश्न का उत्तर देते कह रहे हैं, प्राकृत भोजन जो है जो शरीर को संतुष्ट करता है, चौबीस तत्वों के द्वारा जो निर्मित हुआ जो शरीर जो है जो इसको जो तृप्त करते हैं वह प्राकृत भोजन, और जो है जो जो सत्संग, जो भजन जो है, शास्त्र श्रवण जो करता है, जो वास्तव आत्मा का यही अन्न है। और कानों के द्वारा, कान इसके मुख है जिसके द्वारा श्रवण करता है, सुनता है, और आत्मा जो है क्या है, भोगता है, उसका मैं भोजन करता है, अर्थात उसी से वह तृप्त होते हैं, जो उसको तृप्त करते हैं वही परम आनंद देने वाला वह परम भोजन है। इसलिए आत्मा को तृप्त करने के लिए कहते हैं प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय नाम जप जो है ये अवश्य करना चाहिए, प्रातःकाल सायंकाल, और जब उस देव कृपा से सौभाग्य प्राप्त होकर सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उससे भी ये आत्मा जो है ये तृप्त होती है। तो आत्मा का भोजन क्या है, जे भजन, भगवान की आराधना, सत्संग, कीर्तन, जे जो स्तुति पाठ आपने किए हैं, जिन मंत्रों का आपने पाठ किए हैं, और इस तरह से जप करना जो है, इसी से आत्मा जो तृप्त होती है, परम पद जो है इस प्रकार से जे इसका भोजन है। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि परम पद जो है ये कैसे प्राप्त हो सकता है, परम पद जो है प्राप्त कैसे हो सकते हैं। इसके लिए जिन्होंने उन्होंने एक श्लोक जो है एक प्रकार से बोला कि जेस तक तो ममता भावो लोभ कोपो निराकृत हो ते जानते परमम स्थानम काम क्रोध विवर्जित है। तो उसके लिए वे कहते कि ममता, लोभ, क्रोध आदि का त्याग करने से प्राणी को परम पद की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका त्याग करने से जो जी कहा है कि जिस तक तो ममता, मोह, परिवार के प्रति जो मोह है, धन के प्रति मोह है, घर गृहस्थ के प्रति मोह है, अन्य जो मोह जो है, ममता जो है, तो ममता जिस तक तो ममता भावो लोभ को पाओ, लोभ जो है
कभी किसी का लोभ न करें और जो है कोप क्रोध क्रोध का भी त्याग करें। क्रोध भी जो है जे अनिष्ट को देने वाला है, कई प्रकार विपत्तियों में जो डालने वाला है। एक क्षण के लिए क्रोध आते हैं, आप जो है क्रोध में आकर के कुछ भी कर जाते हैं और बाद में पश्चाताप होता है कि आपने लिए मुसीबत बना ली। ऐसा नहीं बोलता तो ये परेशानी पैदा नहीं होती। तो इनका त्याग करना जो है, त्याग करने से परम पद की प्राप्ति होती। बोला सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि जीवन में जो है जो व्यक्ति अपना जीवन यात्रा अपनी जीवन सफल चाहता है उन्हें प्रजन पूजा इस प्रकार देवी देवता की आराधना मंत्र पाठ जो है जप पाठ जो है जो सत्कर्म पुण्य कर्म तीर्थाटन जो है जो स्नान दान जो है ये सब करते रहना चाहिए। इससे पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होते हैं और जीवन यात्रा में विघ्न बाधा नहीं आती। रोगों से व्यक्ति मुक्त रहता है, निरोगी जीवन जीता हुआ जिस सत्कर्म करता हुआ पुण्य कर्म करता हुआ उसका परलोक भी कल्याण में हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस माँ भगवती के शरणागत होकर के भगवती की आराधना माँ की साधना करते हैं ये सब जो है देव कृपा से प्राप्त होते ही। माँ की आज आप पर कृपा हुई तो माँ ने आपको बुलाया, क्यों किसके बुलावे के बिना जहां पर आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना जहां पर बैठ नहीं सकता। माँ जिनका कल्याण करना चाहती है, जिनका मंगल करना चाहती है, जिनके दुखों को दूर करना चाहती है, सुखों को देना चाहती है, उन्हें बुलावा भेजती है, अपने दरबार बुलाती है, चरणे बिठाती है, आशीर्वाद देती है, अपना दर्शन देती है इस पिंडी के रूम में और उनको कृप्त कर देती है। इसलिए जे परम पवित्र स्थल ये जिस स्थान पर बैठे हुए हैं इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर माँ वैष्णो देवी दिव्य तीन पिंडी के विराजमान होकर के तप कर रही है। महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये तीनों शक्ति जो है एक साथ जहां विराजमान है और तीनों शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हमें शक्ति प्रदान करें। तो माता महाकाली यह शरीर शक्ति देती है, शक्ति देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है। माँ लक्ष्मी वैष्णवी ये धन लक्ष्मी का वरदान देती है, धन शक्ति प्रदान करती है और माता महासरस्वती ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान शक्ति का वरदान देती है। तो इसलिए शरीर शक्ति शरीर निरोगी हो, फिर धन शक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा, फिर ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती का आशीर्वाद। इन तीनों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन में किसी चीज की कोई कमी रहती नहीं। और यही से लिए स्थान का विशेष महत्व है कि यहां पर आकर के भक्तों को इन तीनों शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से जो है वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णो माता और सरस्वती ये तीनों माता प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री सूर्य जी। जय कर मेरी शिरोमणि मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोमणि, एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोमणि, ओ एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोमणि, एक कोर कृपा के कर दो अम्बे माँ शिरोमणि, अम्बे माँ शिरोमणि, अम्बे माँ शिरोमणि, दुर्गे माँ मेरोमणि, दुर्गे माँ मेरोमणि, काशी की झोली भर दो अम्बे माँ शिरोमणि, झोली भर दो अम्बे माशेरोवाली, एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माशेरोवाली, एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माशेरोवाली।
Ah,
मेहरवाले दुर्गे मां मेहरवाले दुर्गे मां मेहरवाले दुर्गे मां मेहरवाले दुर्गे मां मेहरवाले कर मेरी शेरवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जयकारा शेरवाली डल बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा बिछोड़ा दातिए हुण मैथों सहा न जाए तेरा बिछोड़ा दाती हुण मैथों सहा न जाए। आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे तेरा बिछोड़ा दाती हुण मैथों सहा न जाए तेरा बिछोड़ा दाती हुण मैथों सहा न जाए। बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे मां तेरा बिछोड़ा दानिए मां मैं उठ उठ के देखा बारियां मैं देखा बारियां ना हो गया तेरी याद बीच में खो गया पर तू ना दर्श दिखाए आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे तेरा बिछोड़ा दातिए बिना तेरे कोई भी था नहीं बिना तेरे कोई भी था नहीं कोई भी था नहीं ये कहते तू के मेरी मां नहीं के मेरी मां नहीं ये कहते तू के मेरी मां नहीं के मेरी मां नहीं दुनिया दे अगे जोर नहीं मां तेरे सिवा कोई हो नहीं दुनिया दे अगे जो नहीं मां तेरे सिवा कोई हो नहीं दस केड़ा लाड़ लड़ावे आप बैठे भवन में मैनू राती आवे आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे तेरा बिछोड़ा दातिए मपाइयां ने कई तन चिट्ठियां कई तन चिट्ठियां मपाइयां ने कई तन चिट्ठियां कई तन चिट्ठियां मलखियां ने गल्लां विच मिठियां गल्लां विच मिठियां मलखियां ने गल्लां विच मिठियां गल्लां विच मिठियां तू सब दे दिलां दियां जाने मां हुण आ जा किसे बहाने मां तू सब दे दिलां दियां जाने मां हुण आ जा किसे बहाने मां मैनू तेरी याद सताए बैठी भवन में मैनू राती नींद नावे आप बैठी भवन में मैनू राती नींद नावे मां तेरा बिछोड़ा दातिए तू आ जावे मेरी है आसमां मेरी है आसमां तू आ जावे मेरी है आसमां मिट जावे जन्म
ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ, ਮਮਿਟ ਜਾਵੇ ਮਮਿਟ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲੀਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਵੇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ, ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾਦੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾਦੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾਤੀਏ ਮਾਂ, ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਕਵੀ ਇੱਕ ਲਘੂ ਭਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਏ ਹੈਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਏ ਹੈਂ, ਹਮ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮਈਆ, ਦਿਲ ਸੇ ਹਰ ਯਾਦ ਯੇ ਲਾਏ ਹੈਂ, ਹਮ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰਿਆਦ ਲਾਏ ਹੈਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਏ ਹੈਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ। ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨ ਮਈਆ, ਹਮ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨ ਮਈਆ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨ ਮਈਆ, ਹਮ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨ ਮਈਆ, ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਮਈਆ, ਦਰ ਜਾ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਮਈਆ, ਦਰ ਜਾ ਚੱਕ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਬਿਹਾਰੀ ਆਏ ਮਾਂ, ਕਰ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰ ਹੈ ਚੋਰ ਮਈਆ, ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਠੋਰ ਏ ਠੋਰ ਮਈਆ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰ ਹੈ ਚੋਰ ਮਈਆ, ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮਈਆ, ਦਿਲ ਸੇ ਫਰਿਆਦ ਯੇ ਲਾਏ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮਈਆ, ਦਿਲ ਸੇ ਫਰਿਆਦ ਯੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਬਿਹਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਮਈਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਈਆ, ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਮਈਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ
पास मिया रख अपने चरणों का दास मैया हम बन के भिखारी आए हैं रख अपने चरणों का दास मैया हम बन के भिखारी बच्चों का माथान धरो शरणागत का कल्याण करो हम बच्चों का माथान धरो शरणागत का कल्याण करो चरणों की धूली दान करो हम शरण तिहारी आए आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली हैं पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजंड जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती की इसी तरह से आप भक्तों की कृपा बढ़ी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान ससुहे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे भैरी दर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुजनृतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम हीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना चाहिए ओम जय अम्बे तारे मैया जय
बुद्धि रूपेण संसदा
Thank you.
मनोकामना पूर्ण हो सत्य हो सत्य हो सत्य